now i will shed some light on a very important topic of assigning authorship allocating authorship allow researcher to assign appropriate credit and acknowledge their contribution to the research हमने ये देखा है कि जब एक रिसर्च पेपर डिफरेंट रिसर्चर्स मिलकर लिखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं सुपरवाइजर भी होता है कोई कोलैबोरेटर्स भी होते हैं और वो उसको पब्लिश करने जाते हैं तो जनरली दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ऑथरशिप राइट्स के उनको अपनी ऑथरशिप का क्रेडिट जो है वो कैसे लेना है और कहाँ पर लेना है एट टाइम्स वी सी डेट एवरी वन इज़ एम्बिशियस टू बी द फर्स्ट ऑथर और एट टाइम्स वी सी डेट एवरी वन इज एम्बिशियस टू बी दॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है और ये ऑथरशिप जो हैं हम ऑथरशिप क्रेडिट कैसे डिसाइड करते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे असाइनिंग ऑथरशिप इज़ नॉट ऑलवेज वेरी सिंपल एंड इट ऑल्सो एम्प्लॉयज़ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पब्लिश्ड वर्क

हर uh, ऑथर से एक स्टेटमेंट लेने के ही इज अग्री टू बी ऑन दिस नंबर वट एवर ही इज क्लेम टू बी एंड देन ये कि उनकी हर ऑथर की उस रिसर्च में किस रोल में कॉन्ट्रीब्यूशन थी तो ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि इस रिसर्च को किस ऑथर ने डिज़ाइन किया इसको किस ऑथर ने डाटा कलेक्ट किया किस ऑथर ने इसको जो है वो राइट uh, डाउन किया किसने इसको एनालाइज किया और किसने इसके फाइनल जो है वो ड्राफ्ट uh, को ओके uh, okay किया सो so बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि ऑथरशिप का जो क्रेडिट है उसको मेनटेन करने में आसानी हो सके देन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर आई सी एम जे ई एंड ऑथर मस्ट सेटिसफाइज दीज फोर क्राइटेरियाज अब आई सी एम जे ई ने यह क्राइटेरिया इसलिए दिया कि ऑथर जो है वो वो नहीं है कि एक रिसर्च पेपर कम्प्लीट हो गया और उसके बाद किसी ने कहा कि जी इसमें प्लीज मुझे भी अपने नाम की कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करने दें एंड जस्ट बिकॉज टू समन आपने उसका नाम भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया और वो एक रिसर्च पेपर जो था उसके अंदर एक एडिशन हो गई एक नाम की ऑथर क्या है उसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं मेकिंग सब्सटैशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्सेप्टिजाइन ऑफ द वर्क अगर आपने उस रिसर्च के अंदर कोई सब्सटैंशल अमाउंट ऑफ वर्क किया है उसके डिजाइन के ऊपर आपने कोई बात की है उसकी अनालसिसिस की एक्विजिशन की है उसकी इंटरप्रटेशन ऑफ डाटा की है

मैन्यू स्क्रिप्ट टू द जर्नल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथरशिप का क्रेडिट किस ने किस नंबर पर ऑथर बनना है ये डिसीजन जर्नल में पेपर सबमिट करने से पहले किया जाए ईच ऑथर ऑफ ईच स्टडीज शुड बी क्वालिफाई दो फोर क्रीडेंशल जो आई ने डिफाइन की हैं ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ऑथर उन फोर क्राइटेरियाज को पूरा करता हूँ हर ऑथर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो उन क्राइटेरियाज को पूरा करें एंड इंडिविजुअली सबमिट द कॉन्फ्लिक्टोजर फॉर्म टू द जर्नल एडिटर और अगर वो छः या सात या आठ जो है वो ऑथर्स हैं तो उन सबको अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्म है वो एडिटर को सबमिट करना चाहिए सो इट मीन्स डेट वी शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिस जिसके अंदर जस्ट सिर्फ एक दूसरे को फेवर देने के लिए रिसर्च के जर्नल्स के अंदर लोगों के नाम इंक्लूड किए जाएं और आ, ऐसे लोग ऑथर्स क्लेम करें जिनको इस रिसर्च के एक्चुअल डिजाइन के बारे में नहीं पता और वो उस रिसर्च स्टडी की एक्यूरेसी को क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ऑल दिस कम्स इन टू एन अनएथिकल प्रैक्टिस यू पब्लिश योर वर्क इन अ जर्नल एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द रिसर्च एक्चुअली विच इज कंडक्टेड बाई सम योर सेल्फ एज पार्ट ऑफ दैट रिसर्च